आपका स्वागत है हमारे चैनल ओमा लोक पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शिकायत करने के लिए भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि शिकायत करना बताता है कि आप उनसे प्रेम करें। मित्रों, हमारे बहुत से मित्रों ने कहा कि उनके घर पर किसी ने भूत प्रेत बाधा करी हुई है, या उन्हें लगता है कि उनका घर किसी अविचार से ग्रस्त है। तो यदि भूत प्रेत बाधा या अविचार वगैरह से ग्रस्त है, तो आप कुछ उपाय मैं बताता हूँ, ये कीजिए, आपको मुक्ति मिलेगी। सांप की केचली, बच, हींग और नीम की सूखी पत्तियां, इन चारों को मिला के पीस लें और पीस के इन्हें जला लें। वो जो धुआं निकले उसकी धुनी पूरे घर में दें, इससे प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। दूसरा उपाय ये है कि यदि आपको लगता है आपको या आपके परिवार में किसी को भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त किया गया है, तो बहुत आसान उपाय ये है, काले धतूरे की जड़ ले आए रविवार के दिन और उस जड़ को तावीज की तरह किसी डोरे से अपनी बांह में बांध लें। यदि आप भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त हैं या जो कोई भी भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त है उसकी बांह में बांध लें, दाई बांह में, उससे भूत प्रेत बाधा दूर। एक होता है ब्रह्म राक्षस, ये भूत प्रेत से ऊपर ही होता है। व्यक्ति को अकारण ही बहुत परेशानियां, बीमारी और उसके चेहरे पे अजीब सा काला बना है। अगर ऐसा हो रहा है तो व्यक्ति हो सकता है भूत प्रेत बाधा से नहीं ब्रह्म राक्षस से ग्रस्त हो। उसके लिए मैं आपको उपाय बताता हूँ, मुंडी, गोघरू और बिनौला, ये तीन जड़ियां हैं, जड़ी बूटी और क्या मिल जाती हैं, इन्हें गोमूत्र के साथ पीस लें, तीनों बराबर मात्रा में ले लें और गोमूत्र के साथ पीस लें। पीसने के बाद जो लेप बनता है उसे आप उस व्यक्ति को सुंघाएं, जब मौका मिले सुंघा दें, धीरे धीरे ब्रह्म राक्षस का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, ब्रह्म राक्षस उसे छोड़ के चला जाएगा। एक और विधि है भूत प्रेत बाधा दूर करने के लिए, रवि पुष्य योग में तुलसी पत्र यानी तुलसी के पत्ते और काली मिर्च, ये दोनों आठ आठ ले लें, यानी आठ तुलसी के पत्ते और आठ काली मिर्च, फिर इनमें सहदेई की जड़ मिला लें। सहदेई की जड़ मिलाकर पीस लें और पीसने के बाद जो लेप बने उसे एक तांबे के ताबीज में रखवा कर अपनी दाई भुजा पर बांध दें, आपकी भूत प्रेत बाधा दूर हो जाएगी। तो ये मित्रों तरीका था भूत प्रेत बाधाएं दूर करने का। यदि आपको लगता है आपका घर, आप या आपके परिवार का कोई सदस्य भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त है, तो उसका उपाय देखिए मैंने बता दिया, करके देखिए आपको अवश्य आराम मिलेगा। फिर मिलेंगे मित्रों, नमस्कार।